बिहार के सभी छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खबर। इंटरमीडिएट में एडमिशन की तिथि दूसरी बार बढ़ी। जी हाँ दोस्तों, 4 तक ले सकेंगे दाखिला सभी स्टूडेंट्स। बिहार बोर्ड पहले 31 अगस्त तक निर्धारित किया था तिथि, छात्रों को मिली थी राहत, लेकिन अब और राहत मिलेगी क्योंकि 4 तारीख तक एडमिशन का डेट जो है बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंटरमीडिएट की दूसरी सेकंड मेरिट लिस्ट कब जारी होगा और इसमें पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अनुसार बताया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सारी जानकारी आपको पल पल के अपडेट बिहार बोर्ड की तरफ से मिलेगा। तो चैनल पर न्यू जरूर तो सब्सक्राइब कर लो और नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दो और बगल में घंटी का ऑप्शन दिखेगा उसको भी दबा दो कि आने वाली पूरी जानकारी बिहार बोर्ड की तरफ से सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट के नए सत्र 2021-23 में एडमिशन के लिए तिथि दूसरी बार बढ़ा दी है। अब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल छात्र छात्राओं का दाखिला 4 सितंबर तक लिया जाएगा। बोर्ड की ओर से इसके पहले 18 अगस्त से 24 अगस्त तक, उसके बाद 31 अगस्त तक एडमिशन लेने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। एडमिशन की तिथि बढ़ाए जाने पर छात्रों को राहत मिली है। इधर मंगलवार को एडमिशन कराने के लिए प्लस टू स्कूल और कॉलेज में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं पहुंचे हैं। मेरिट लिस्ट के अनुसार सरकारी व गैर सरकारी माध्यमिक स्कूल, इंटर कॉलेज व डिग्री महाविद्यालय में एडमिशन लिया जा रहा है। बिहार बोर्ड की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि OFSS पोर्टल पर एडमिशन से संबंधित सभी जानकारी दे दी गई है। स्कूलों के प्रधान जी हाँ दोस्तों, स्कूलों के जितने भी प्रधानाध्यापक हैं और कॉलेजों के प्राचार्य को मेरिट लिस्ट के अनुसार निर्धारित समय तक एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ हर दिन एडमिशन होने की सूची OFSS पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है। बोर्ड की ओर से इस बार 10वीं में छात्र छात्राओं को मिले अंकों के आधार पर 11वीं में एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट तैयार की गई है। एडमिशन नहीं लेने पर रद्द होगा आवेदन, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से यहां पर बड़ी खबर। दोस्तों यदि अगर आप अभी तक हमारे बिहार बोर्ड के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हो तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ। पल पल के अपडेट टेलीग्राम ग्रुप में सबसे पहले दी जाती है। OFSS के संयुक्त सचिव की गई ओर से जारी की गई सूचना में कहा गया है कि प्रथम मेरिट लिस्ट में शामिल छात्र छात्राएं यदि निर्धारित समय के अंदर अपना एडमिशन नहीं लेते हैं तो उनका आवेदन स्वतः रद्द माना जाएगा। रिक्त सीटों पर एडमिशन के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। जी हाँ, दूसरी मेरिट लिस्ट भी आप लोगों का जारी किया जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्लाइड अप का मिलेगा मौका। एडमिशन कराने के बाद यदि छात्र को दूसरे कॉलेज या प्लस टू स्कूल में ट्रांसफ़र कराना है तो स्लाइड अप का मौका मिलेगा। बिहार बोर्ड की ओर से जारी किए गए गाइडलाइन के अनुसार दाखिला लेने वाले छात्रों को स्लाइड अप का मौका मिलेगा। बोर्ड की ओर से कहा गया है कि 4 सितंबर तक स्लाइड अप का छात्रों को मौका मिलेगा। दोस्तों 4 तारीख तक एडमिशन की तिथि बढ़ाई गई है, जिसके अनुसार दूसरी मेरिट लिस्ट आप लोगों का अब यहाँ पर देख सकते हैं 12 तारीख को आप लोगों का दूसरी मेरिट लिस्ट जारी होगा। 12 तारीख को, जी हाँ, सेकंड मेरिट लिस्ट आप लोगों का 12 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए। वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, जितने भी एप्लीकेशन चलाते हैं उस सभी स्टूडेंट्स के पास शेयर कर दीजिए कि सभी छात्रों को मालूम चल सके। यदि अगर आप ग्रुप चलाते हैं तो ग्रुप में शेयर कर दीजिए। सेकेंड मेरिट लिस्ट आप लोगों का 12 तारीख को जारी हो जाएगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अनुसार 4 तारीख तक एडमिशन की प्रक्रिया चलती रहेगी। यदि अगर आपका सवाल हो किसी भी तरह का कोई भी तो नीचे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आने वाली पूरी जानकारी आपको दी जाएगी इस चैनल के माध्यम से, मौर्य गुरु एकेडमी के माध्यम से।